नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ रिलायंस। स्वागत है आप सब लोगों का सेल्फ रिलायंस में। आज मैं आप लोगों को अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस के बारे में बताने वाला हूँ कि पूरा दिन मैंने कैसे बर्थडे सेलिब्रेशन किया कोरोना के माहौल में। गाइज, आप लोगों को जैसा पता है कि कोरोना ने भी दहशत फैला रखी है सब जगह पर, और पीपल आर अवॉइडिंग टू ईट फ्रॉम आउटसाइड, गोइंग टू आउटसाइड, एंड वो लोग हर चीज़ें बाहर की कॉन्टामिनेटेड चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। तो उसी तरह मैंने भी अपने बर्थडे को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। लाइफ का ये फर्स्ट बर्थडे ऐसा था जिसको मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है और सेलिब्रेट किया है। तो आई विश कि एवरी ईयर आई शुड सेलिब्रेट लाइक दिस ओनली। गाइज, आई विल शो यू इन दिस वीडियो कि मैंने किस तरह से फुल डे स्पेंड किया ऑन माई बर्थडे एंड मैंने क्या कमिटमेंट्स लिए आज मेरे बर्थडे के ऊपर। सो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे पहले 5 बजे उठा और उठकर मैं एज अ गुड हिंदू बॉय की तरह मैंने अपने रिचुअल्स किए और घर पर ही पूजा की। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ये पूजा किया घर में एंड इट वॉज सो गुड बिकॉज अभी सब टेम्पल्स वगैरह क्लोज है। मोस्टली मैं एवरी बर्थडे में मंदिर जाता था और मेरी ड्यूटी पूरी करता था, लेकिन इस बार मैंने अपने आप को टाइम दिया। मॉर्निंग में हम लोगों ने घर पर ही पूजा किया एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइज। और उसके बाद फिर बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे विशेज आने लगी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, कॉल्स एंड उसमें टाइम चला गया। फिर हैप्पी लंच, हैप्पी टाइम इन लंच एंड हेल्दी लंच किया। हेल्दी लंच करने के बाद वी वेंट फॉर बीच, बट बीच बंद था। फिर हम लोग रिवर व्यू पर गए, रिवर फ्रंट व्यू पर गए, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया विद वन ऑफ माई फ्रेंड एंड वन ऑफ माई सेकेंड फैमिली इन सूरत जो मेरी काफ़ी क्लोज हैं, उन लोगों के साथ मैं रिवर फ्रंट पर गया। वहाँ पे मैंने उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। दिस ऑल आई डिड एंड फिर इवनिंग में मेरे कुछ फनी केक मोमेंट्स थे बिकॉज मैंने बाहर का केक कट नहीं किया। सो घर पर ही कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेम्बर्स थे जो सूरत में मैं जिनको फैमिली मानता हूँ, वो लोग मेरे लिए केक लेकर आए। फिर हम लोगों ने सब फनी सा केक घर पर कट किया। इट वॉज सो फनी ऑल द डे, इट्स फाइन ऑल, बट कोरोना के टाइम पे इट्स ऑल फाइन। सो हम लोगों ने केक कट किया। अलॉन्ग विद दैट आई वॉन्ट टू शो यू कि मैंने क्या कमिटमेंट्स आज लिए हैं जो मैं अपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला हूँ इनको अपनी लाइफ में, एंड आई थिंक कि ये मेरी लाइफ चेंज कर देंगे आगे चलकर। नेक्स्ट बर्थडे तक आई विल बी समथिंग डिफरेंट। ओके, देन द फर्स्ट कमिटमेंट विच इज़ आई टेकन टू माई सेल्फ इज़ आई एम गोना स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप ऑन टाइम। मैं कुछ दिनों से फॉलो भी कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में जल्दी उठने से क्या होता है कि मुझे एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं मेरे दिन में काम करने के लिए, ज़्यादा टाइम मिलता है। उसके अलावा मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम मुझे मिलता है और उसमें मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ मेरी हर चीज़ पर, मेरी अदर कंपनी के वर्क्स पे, मेरा यूट्यूब पे, या फिर मेरे कंटेंट राइटिंग, मेरी बुक्स रीडिंग, या अपने आप को ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ। एंड ओवरऑल द रिसर्च जो मैंने की है उसमें मैंने ये पाया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दोज वो आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ वो यही मंत्रा लेके चलते हैं। वो लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं, और वो हर एक सक्सेसफुल पीपल की लाइफ में जल्दी उठने वाला ये जो कॉन्सेप्ट है वो लोग जोड़ के रखते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को और इस हैबिट को अपनी लाइफ में अब नेक्स्ट बर्थडे तक इसको रेगुलर रखूँगा और होप सो कि ये विश है कि ये लाइफ टाइम ऐसी रहे। ओके, द सेकेंड हैबिट विच आई डिसाइडेड टू इंक्लूड इन माई लाइफ इज़ अबाउट डूइंग सम एक्सरसाइज। मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज तो करता ही हूँ, पहले भी करता था, पहले मैं जिम में जाके करता था। अभी तो मोस्ट ऑफ द जिम, सभी जिम अभी तो क्लोज्ड हैं और अभी जिम्स ओपन नहीं होने वाले हैं कुछ दिनों तक, और अभी से 2-3 महीने से जिम बंद हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग इट एट होम ओनली। मैं कुछ वेट लिफ्टिंग करता हूँ, कुछ कार्डियो करता हूँ। गाइज, एक बात मेरी मान लीजिए, अगर आप वेट लिफ्टिंग या कुछ करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी अलग ही निखर कर आती है सामने। आप लोगों के बीच में एक डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी होगी, आप मोर चार्मिंग हैंडसम लिखेंगे, आपको कपड़े अच्छे फिट आने लगेंगे, यू नो, कपड़े अच्छे फिट आएंगे, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखेंगे। तो इट विल मेक सम स्टैंड आउट ऑफ अदर पीपल, आपको लोगों से अलग हटके, भीड़ से अलग हटके, और आपको यू नो अटेंशन मिलेगा। सो यू शुड ऑलवेज इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर पार्ट, एंड दिस इज माई सेकेंड कमिटमेंट दैट आई ऑलवेज ऑलवेज एवरी डे आई एम गोना गिव माई सेल्फ 30 मिनट्स ऑन माई एक्सरसाइज। कैसी भी कंडीशन होंगी मैं 30 मिनट अपने आप को दूंगा।
20 से 35 मिनट आगे फ्यूचर में टाइम इंक्रीज होगा, दैट्स डजंट मैटर, बट अभी आई कमिटेड फॉर एवरी डे एवरी सिंगल डे 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर मींस जरूर एवरी डे. दिस इज माई सेकेंड कमिटमेंट. आई सिलेक्टेड फॉर इज अ हेल्दी डाइट. अभी कोरोना की वजह से तो मैं अवॉइड कर ही रहा हूँ बाहर का फूड, बट आई डिसाइडेड नॉट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड, नो जंक फूड एट ऑल इन माई लाइफ. Every time the homemade food which I'm gonna cook every day with my for me, और वो healthy food घर में ही बना होगा, जितना हो सके मैं उसको healthy रखूँगा, natural रखूँगा, and as an I'm a vegetarian, so मैं उसको अच्छे से cook करके and everything gonna be fresh. तो मैं अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, अपनी कैलोरीज इनटेक पे, प्रोटीन इनटेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ. दिस इज़ द थर्ड कमिटमेंट विच आई डिड फॉर अ हेल्दी डाइट. ओके, एंड द फोर्थ एंड लास्ट कमिटमेंट इज अबाउट सेटिंग द गोल्स एंड अचीविंग देम. मेरा जो लास्ट कमिटमेंट है वो मेरा होगा अबाउट गोल्स. मैं अपने गोल्स सेट करूंगा, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, और उनको किसी भी तरह से टारगेट रखूंगा कि इतने दिनों में इसको अचीव करना है. सो वो गोल्स अचीव करूंगा. अब वो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, मेरे पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, मेरे प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, वो कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, मैं उन्हें अचीव करूंगा. एवरी टाइम आई एम गोना अचीव देम, आई एम गोना पुट सम डेडलाइंस फॉर देम कि मुझे इतने टाइम में इतना टारगेट पूरा करना है, वो कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज दैट आई एम गोना पुट सम टारगेट्स, गोल्स जो मैं पहले नहीं करता था, मैं प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करता था और ऐसे ही बस स्टार्ट कर देता था. अब मैं वो नहीं करने वाला हूँ, मैं प्रॉपर इसको गोल सेटिंग करके उसके साथ ही चलने वाला हूँ. ओके गाइस, तो ये मेरा लास्ट कमिटमेंट था और इसके साथ मैं नो फैब फॉलो करने वाला हूँ टिल माई लाइफ टाइम, टिल आई डेड. फिनिश नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं नो फैब फॉलो करूँगा. नो फैब के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दिस लाइफ एंड दिस वर्ल्ड, कि आप नो फैब फॉलो कीजिए. होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड ये जो है, ये हैबिट्स आप अपने लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड टू अचीव योर ड्रीम्स. These are the good habits which everyone, every successful, a self-reliant person should include in his life. Thank you so much for watching. Namaste.